हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल में व्लॉग्स विद आरती। मैं हूँ आरती। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक डिज़र्ट रेसिपी रक्षाबंधन स्पेशल में। इस रक्षाबंधन अपने घर ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके भाई आपके परिवार वालों को बहुत पसंद आएगी। यकीन मानिए वो आपसे बार बनाने की डिमांड करेंगे। जी हाँ, इस रेसिपी का नाम है शाही टुकड़ा। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है वो आपसे मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं आधा किलो का दूध यूज़ कर रही हूँ, फुल क्रीम। आप कोई भी दूध यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैंने पहले ही गर्म करके रखा हुआ। तो यहाँ मैंने दूध को कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है। और यहाँ पर आप गैस की फ्लेम को हाई रखिएगा और इसको अच्छे से चलाते रहिएगा करछी से। हमें तब तक गैस की फ्लेम को हाई रखनी है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए या दूध खौलने ना लगे। यहाँ दूध खौलने लगा और एक उबाल आ चुका है, तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है और इसको धीरे धीरे आप चलाते रहिएगा। हमें दूध को तब तक चलाना है जब तक कि दूध आधा ना हो जाए। यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ एक कटोरी में थोड़ा सा दूध ले लिया, उसमें कुछ केसर के धागे डाल दिए हैं जिससे हमारी रबड़ी में अच्छा सा कलर आ सके। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ दो इलायची, और उसका मैंने छिलका निकाल दिया था और उसके बीज के जो बीज होते हैं ना उसको कूट के मैंने दूध में डाल दिया है। साथ में मैं यूज़ करूँगी एक छोटा सा मिल्क पाउडर का पैकेट, 10 रुपये का आसानी से मिल जाता है। अब इसको हम दूध में डाल देंगे, तो इसको अच्छे से हिलाना है, इसके लम्स नहीं पड़ने चाहिए इस पर। तो इसे करछी को चलाते रहिएगा, तो अच्छे से करछी चलाते रहिएगा दूध में, और साइड से जो मलाई लग रही है उसको निकालते हम चलेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून चीनी, क्योंकि हमने मिल्क पाउडर ऑलरेडी डाला हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा मीठा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा या कम पसंद है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो केसर का जो दूध था वो यूज़ किया है, और साथ में यूज़ किया है 1/2 टीस्पून अरारोट। अरारोट की जगह आप यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अरारोट डालने से ना हमारी जो रबड़ी है ना उसमें अच्छा सा गाढ़ापन आएगा। अब शाही टुकड़ा बना रहे हैं तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ब्रेड की। तो यहाँ मैंने सैंडविच ब्रेड लिया है, 4 स्लाइस लिए हैं। मैं इसको ऐसे तिकोने में कट कर दूँगी, साथ साथ मैं इसको साइड से भी थोड़ा थोड़ा कट कर दूंगी। और इधर हम अपनी रबड़ी चेक करेंगे, और रबड़ी बिल्कुल बहुत बढ़िया बन चुकी है। ये देखिए बिल्कुल आधी हो चुकी है और गाढ़ापन इसमें आ चुका है। साइड बाय साइड हम यहाँ पर बनाएंगे चाशनी की तैयारी करेंगे। तो आधा कटोरी मैंने यहाँ चीनी ली है और उसमें मैं उतना ही आधा कटोरी में पानी डाल दूँगी। साथ में मैं यहाँ पर 2 इलायची छिलका हटा देंगे और उसके जो बीज है उसको डाल दूँगी और इसको अच्छे से हिला दूँगी। चाशनी हमें सिर्फ इतनी देर उबालनी है जितने में ये चीनी जो है वो डिज़ोल्व ना हो जाए। तो ये चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब साथ साथ हम चेक करेंगे अपनी रबड़ी। तो रबड़ी हमारी बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुकी है। कितना प्यारा कलर आ गया है, इतनी गाढ़ी हो गई है। तो मैं इस टाइम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, और क्योंकि थोड़ी देर में ये रबड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो साइड बाय साइड हम यहाँ पर ब्रेड को सेकने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच घी का यूज़ किया है, तो 3 चम्मच मैं घी डाल दूँगी। आप चाहें तो नॉर्मल जो रिफाइंड ऑयल होता है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन घी में थोड़ा सा स्वाद आता है। तो ब्रेड को यहाँ पर हमें अच्छे से सेकना है तब तक जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और सेक थोड़ा सा करारापन ना आ जाए, जैसे टोस्ट में यूज़ करते हैं वैसा करारापन ना आ जाए। गोल्डन ब्राउन होते ही हमें इसे निकालना है। तो इसको मैं साइड में एक छन्नी की हेल्प से इसको निकाल दूंगी, एक्स्ट्रा घी जो होगा वो निकल जाएगा आपको। तो ये मैं निकाल रही है, पहला बैच मेरा निकाल दिया है, ये दूसरा बैच मैंने इसमें डाला है। और इसको भी ब्राउन होने तक हम ऐसे ही सेकेंगे। देखिए ये मैं सेक रही हूँ, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ट्रेडिशनली तो ये डीप फ्राई होता है लेकिन हम थोड़े से उसमें काम चला सकते हैं तो हम वही कर रहे हैं। तो ये मैंने सारी ब्रेड्स को निकाल दिया है। इसके बाद हम साइड में आप देखिए हमारी रबड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और उसमें कितना गाढ़ापन आ चुका है। तो यही चाहिए था हमें शाही टुकड़ा के लिए। अब हम करेंगे एक एक करके डालना चाहें या 2 करके डालना चाहें, तो आप इसमें जो चाशनी है उसमें जो ब्रेड है हमने भी सेकी थी उसको डालेंगे, 1-2 मिनट तक रहने देंगे और उसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो यहाँ चल रही हमारी प्लेटिंग की तैयारी। एक ब्रेड का मैंने पीस रखा है, उसके ऊपर मैं दूसरा पीस रखूँगी, ऐसे ही मैं दूसरी तरफ करूँगी। तो कहते थे कि शाही टुकड़ा राजा महाराजों को पसंद आता था और ये मतलब रिच डिश में मानी जाती थी।
लेकिन अब आसानी से आप अपने घर में बना सकते हैं और ये सब लोग खा सकते हैं। तो इस रक्षाबंधन ज़रूर ट्राई करिएगा और यकीन मानिए आपके परिवार को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ मैं ऊपर रबड़ी लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं रबड़ी बिल्कुल इतनी बढ़िया बनी हुई है कि आपको मज़ा आ जाएगा खा के। और स्पेशली इस डिश की ये बात है कि घर में जो चीज़ें हैं उन्हीं से ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेड वगैरह आजकल सब खाते हैं तो कभी एक्स्ट्रा बच जाती है, तो आप इसका यूज़ इस तरह से कर सकते हैं और एक स्वीट डिश भी बन सकती है। और अब देंगे अपने शाही टुकड़ा को फिनिशिंग टच, गार्निश बोल सकते हैं आप। ये करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो ये हमारा बिल्कुल शाही टुकड़ा तैयार हो चुका है खाने के लिए। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलूंगी ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू।